एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आगमन के बाद एक सभा का आयोजन किया गया, तो वहीं सभा के बाद एक रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतन चंद जैन, पूर्व विधायक अजय टंडन के अलावा अन्य पदाधिकारी भी इस रोड शो में शामिल हुए। हालांकि समय हो जाने के चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तो दमोह से रवाना हो गए, वहीं अन्य नेता इस रोड शो में सम्मिलित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। कार्यक्रम जो हुआ वो आपके सामने है। आज नामांकन रैली थी, पूरी लोकसभा क्षेत्र से हमारे कांग्रेस जन आए थे और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री भाई मुकेश नायक भी साथ में आए थे और पूरी लोकसभा क्षेत्र में वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। आज क्या कुछ रहा का नामांकन नहीं हो पाया, कैसा क्या? नामांकन हमारे प्रस्तावक ने जमा कर दिया है और जो प्रत्याशी की फॉर्मेलिटी होती है वो हम कल पूरी कर देंगे। चूँकि समय हो रहा था, 3 बज रहे थे, इसलिए हमने प्रस्तावक के द्वारा अपना फॉर्म जमा करवा दिया है। और जो आपने कहा ना कि प्रदेश अध्यक्ष जी बगैर नामांकन के चले गए, ऐसा नहीं, 3 बजे तक की हमें हेलीकॉप्टर की परमिशन मिली थी, 3 बज रहे थे। हम लोग कांग्रेस के लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, अनुशासन वाले लोग हैं, इसलिए 3 बजे समय से हेलीकॉप्टर से प्रदेश अध्यक्ष जी चले गए। अब कल कब नामांकन भरेंगे प्रत्याशी के साथ? कल हम 12 बजे 12:30 बजे नामांकन की जो फॉर्मेलिटी रह गई वो कल हम पूरी करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार 35 वर्ष से हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को बनाया है और 2 बार तो केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन आज तक इन 35 वर्षों में कोई ऐसा रोजगार का जो पढ़े लिखे युवा हैं, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कोई ऐसी फैक्ट्री, ऐसा कोई उद्योग नहीं है कि दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता के जो गरीब परिवार हैं उनका परिवार चल सके। और जैसा कि अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात कहें तो राहुल गांधी जी ने जो अभी भारत जोड़ो नया यात्रा के दौरान जो घोषणा करी है कि सबसे पहले तो हमारी अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले तो हम रोजगार देने की गारंटी का अधिनियम बनाएंगे, प्रति वर्ष 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, गरीब परिवार की महिलाओं को 8,000-8,500 रुपये प्रति माह देने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो स्नातक जो बच्चे हैं हमारे उन्हें रोजगार अगर नहीं मिलता है तो उन्हें भी 8,500 रुपये प्रति माह देने का काम करेंगे, किसानों के लिए MSP लागू करेंगे। ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो चीज़ें होना चाहिए वो कांग्रेस सरकार बनेगी और होगा। अब भावुक भी हो गए आज मंच पर ऐसा? देखिए, अपनों के बीच में हमेशा अपनत्व की भावना जो होती है तो अपनों ही लोगों के बीच में, अपने ही लोगों के बीच में झलकती है। क्या कारण रहा अध्यक्ष जी बिना नामांकन दाखिल कराए जाना पड़ा उनको? देखिए, कहीं उनका कोई जरूरी काम था इसलिए वो जल्दी चले गए। नामांकन तो मैंने भिजवा दिया था, प्रस्तावक थे जो वो लेके गए थे, वो बाकी फॉर्मेलिटी जो रह गई है वो कल कर लेंगे हम लोग।